हेलो एवरीवन, आज आप एनवायरमेंटल इश्यूज़ का पार्ट टू करांगे। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज ऑफ नेचुरल पोल्यूशन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मरकरी। सेकंड इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो ये करेक्ट की है कि जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स ने ज़्यादा हार्मफुल होंगे ने एज़ कंपेरिजन टू प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, थर्ड, द फॉलोइंग टेबल समराइजेज द डिफरेंसेज बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, पिक आउट द रॉन्ग डिफरेंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओके, द फर्स्ट डिफरेंस की हैगा, जो बायोडिग्रेडेबल ने वो ईजीली डिग्रेड हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाल, नॉन बायोडिग्रेडेबल ने जो हो डिग्रेड नहीं होंगे, तो यह की हैगा करैक्ट आंसर हैगा। दीज कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू बायोगैस, कंपोस्ट, मैन्योर, जो बायोडिग्रेडेबल ने। नॉन बायोडिग्रेडेबल का की है, दीज आर डिफिकल्ट टू मैनेज एज नैचुरल मैथड ऑफ डिग्रेडेशन इज एबसेंट, ये भी की हैगा करैक्ट है। फोर्थ इज़, दे यूजअली डू नॉट एंटर बायो जियो कैमिकल साइकिल, के जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स ने वो बायो जियो साइकल्स के विच एंटर नहीं करते, तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ने वो पार्ट लेंदे ने, तो ये चीज़ की है गलत है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स बायोडिग्रेडेबल दियाँ, हैगियाँ ने DDT, BHC, प्लास्टिक, पॉलीथीन एंड ग्लास, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल दियाँ दित्ती हुई ने सीवेज, कारपेज, एनिमल वेस्ट, तो यह भी की है इनकोरैक्ट है कि उल्टे दिते हुए नेगे, तो यदा करैक्ट आंसर की बनता है, ऑप्शन सी, थर्ड एंड फोर्थ की ने रोंग डिफरेंस है। फिर है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन द ईयर, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कदों आया सी, 1986 के विच आया सी। नेक्स्ट आ गए क्वेश्चंस एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल ते। फर्स्ट है स्टेटमेंट सम हैगा, ट्रैफिक जैम्स आर लाइकली टू कॉज गिडीनेस, एग्जॉशन, रिड्यूस्ड विजन एटसेट्रा। सेकेंड स्टेटमेंट की है, कार्बन मोनोक्साइड फ्रॉम व्हीकल्स कॉजेज दीज प्रॉब्लम्स बाय रिड्यूसिंग O2 कैरिंग कपैसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, तो यह दोनों ही जेडे स्टेटमेंट्स ने की ने करैक्ट ने किया। नेक्स्ट है, इनक्रीज्ड एस्थमैटिक अटैक्स इन सर्टेन सीजनज आर रिलेटेड टू, के कुछ सीजनज दे विच की हुंदा हैगा कि लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम आती हैगी, एलर्जी कह लो, ठीक है, तो कहदे करके हुंदी है, इनहेलेशन ऑफ सीजनल पॉलनस। सैवंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करैक्ट, तो ये कि स्टेटमेंट्स ने जो करैक्ट ने गियाँ। फस्ट इस के जो बेंजीन हैगजाक्लोराइड है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, ये करैक्ट हैगी। एंथ्रोपोजेनिक एयर पॉल्यूटेंट्स आर नैचुरल इन ओरिजन, एंथ्रोपोजेनिक मैनमेड हों। थर्ड है, कार्बन मोनोक्साइड इज़ अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, ये भी सही हैगा। नेक्सट है, सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज ब्राउन एयर इफेक्ट ड्यूरिंग ट्रैफिक कंजेशन इन सिटीज़, ये करैक्ट नहीं हैगा, तो यह करैक्ट आंसर हैगा ए। फस्ट तो थर्ड की नेगे सही ने। नैक्सट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैन परोक्सी एसाइल नाइट्रेट एंड सिलेक्ट द करैक्ट वन, तो यह जो करैक्ट आंसर डी बनता, मतलब सारे सही नेगे। पहला हैगा कि एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैगा जो कि फोटोकैमिकल स्मॉग के प्रेजेंट हों। दूसरा के किमें बनता है, फोटोकैमिकल रिएक्शन होंगी है हाइड्रोकार्बन के नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के प्रेजेंस के सनलाइट की या UV रेडिएशन की। फिर यह की है, थर्मली अनस्टेबल हैगा, तो किस डीकंपोजेज इन टू परोक्सी इथेनॉयल रेडिकल्स एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के टुट जाता है। इट इज़ अ लैक्रीमेटरी सबसटांस कॉजिंग इरीटेशन टू आइस, तो यह की है कि चारों स्टेटमेंट्स ही सही ने। नेक्स्ट है, परोक्सी एसाइल नाइट्रेट्स आर फॉर्म्ड थ्रू फोटोकैमिकल रिएक्शन बिटवीन, तो जो पैन है कि रिएक्शन के नाल बन देगा नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स दी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरैक्ट रिगार्डिंग भोपाल गैस ट्रैजडी, जो भोपाल गैस ट्रैजडी सी उहदे जो गैस लीक हुई सी दैट इज़ मिथाइल आइसोसाइनेट, तो इट इज़ ट्रू है। थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग डाइड, ए भी सही है। रेडियो एक्टिव फॉल आउट एनगल्फ्ड भोपाल, ये चीज़ की है गलत है। तो कदों हुई सी, नाइट ऑफ दिसंबर 2 और 3 1984, मतलब के 2 ते 3 की रात में हुई सी। नेक्स्ट है, कैमिकल्स रिस्पोंसिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रैजडी, केड़े-केड़े कैमिकल सीगे, फॉस्जीन एंड मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एसिड रेन एंड सिलेक्ट द इनकोरैक्ट वन, इनकोरैक्ट देखने के केड़ी है। एसिड रेन रेफर्स टू द रेनफॉल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन विद द
पीएच ऑफ लैस दैन फाइव। तो ये चीज़ की है करैक्ट है कि जिहदी पीएच लैस दैन फाइव होगी तो की होएगी एसिड रेन की फॉर्म होएगी। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर रिलीज्ड फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इंडस्ट्रीज पावर प्लांट्स एटसेट्रा। ये भी चीज़ की हैगी सही है। दीज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन में रिएक्ट विद वाटर इन द एयर एंड फॉर्म सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड। ये भी ट्रू है। लास्ट की है एसिड रेन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स बट नो करैक्टरिस्टिक इंपैक्ट ऑन प्लांट्स। तो ये चीज़ की है गलत है कि एसिड रेन है वो प्लांट्स पर भी इंपैक्ट पाँदा है। नैक्सट आ गया एसिड रेन इज़ प्रोड्यूस्ड बाई। एसिड रेन बनता किमें है कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड तो सल्फर डाइऑक्साइड एक्सैस हो जाते हैं गे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के कारण। तो यह करैक्ट आंसर है ए। नैक्सट इज सिलेक्ट द करैक्ट मैच ऑफ एयर पोल्यूशन सोर्स विद द टाइप ऑफ पोल्यूटेंट एंड द इफेक्ट इट प्रोड्यूसिस। तो यह करैक्ट आंसर है डी इंसिनरेटर्स नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस फोटोकैमिकल स्मोक। नैक्सट आ गया क्लोरोफ्लोरोकार्बनज आर एयर पोल्यूटिंग एजेंट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय। क्लोरोफ्लोरोकार्बनज नू इन्हां चों कौन प्रोड्यूस करता है जैट प्लेन्स। नैक्सट आ गया गिवन बिलो आर सम डिफरेंसिज बिटवीन प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स एंड सैकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। तो इन्हों आप इनकरैक्ट दसने। फस्ट वन है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स दीज परसिस्ट इन द फॉर्म इन विच दे आर एडेड टू द एनवायरमेंट के जी फॉर्म चो एड होए होंगे ने उही फॉर्म च रहते हैं ट्रू हैगा। सैकेंडरी का की है फॉर्मड बाय इंट्रैक्शन अमंग द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। सैकेंडरी पोल्यूटेंट किमें बनते हैं प्राइमरी नू मिला के ए भी सही है। नैक्सट है प्राइमरी का दीज आर मोर टॉक्सिक दैन द सैकेंडरी पोल्यूटेंट्स नो। जो सैकेंडरी पोल्यूटेंट्स ने ज़्यादा हार्मफुल होंगे ने एज कंपैरेटिव टू प्राइमरी दे। तो यह करैक्ट आंसर की है बी। नैक्सट आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीओ गैस इज करैक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड द रिगार्डिंग केरी करैक्ट स्टेटमेंट दैट इज सी इट इम्पेयर्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रिजल्टिंग इन गिडीनेस हैडेक एसफेक्सिया एंड इवन डैथ। ओके नैक्सट इज 18th गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी एंड सिलेक्ट द करैक्ट ऑप्शन। ओके जो ए है ब्लैक वाला दैट इज नैगेटिवली चार्ज वायर। बी है डिस्चार्ज कोरोना। सी इज कलेक्शन प्लेट एंड डी इज नैगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैथड यूज टू गैट रिड ऑफ पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट। तो यह करैक्ट आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। नैक्सट है द गिवन फिगर रीप्रजेंट्स टू डिवाइस ए एंड बी यूज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन आइडेंटिफाई दैम एंड सिलेक्ट द करैक्ट आंसर। ये चीज़ा की ने एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने ने। तो जो फस्ट डायग्राम है की शो करती है बैग फिल्टर तो जो सैकेंड वन है दैट इज स्क्रबर। नैक्सट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्टिकुलेट मैटर एंड सिलेक्ट द इनकोरैक्ट वन। तो यह करैक्ट आंसर है नन ऑफ दीज के सारिया की ने सही नेगियाँ। एक बार आप पढ़ लें कि जो पार्टिकुलेट मैटर है वह शूट फ्लाई ऐश डस्ट स्पोर्स के पोलन ग्रेनस तो मिलकर बनता है। जो पार्टिकुलेट मैटर है इज डिफरेंशिएटेड इंटू सैटेबल एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। मतलब ये दो तरह का एक हैगा सैटेबल जिदे की हैगा लार्जर दैन 10 μm रिमेनिंग इन द एयर फॉर लैस दैन 1 day। ये हवा च मतलब एक दिन तो घट रहा है। सस्पेंडेड वाला की हैगा कि हवा के एक दिन तो ज़्यादा रहेगा सैवरल वीक्स तक रह सकता है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कंसिस्ट ऑफ एरोसोल डस्ट एंड मिस्ट। नैक्सट आ गया पार्टिकुलेट मैटर कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेज लाइक ट्यूबरकुलोसिस एलर्जी मैनी मोर डिजीजेज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पार्टिकुलेट साइज ऑफ 2.5 μm और लैस इन डायमीटर आर रिस्पोंसिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। तो ये सारे पॉइंट्स की ने करैक्ट ने गे पार्टिकुलेट मैटर के रिगार्डिंग। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेंजरस मैटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट दैट इज लेड ऑप्शन डी। नैक्सट है कैटालिटिक कन्वर्टर्स विच आर फिटड इन टू ऑटोमोबील्स फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेज पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग मैटल्स एज कैटालिस्ट। तो यह कैटालिस्ट कि प्लैटिनम प्लैडियम एंड रोडियम। तो यह करैक्ट आंसर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। नैक्सट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। फर्स्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव्स पार्टिकुलेट मैटर बाय इम्पोजिंग नैगेटिव चार्ज ऑन दैम। नैक्सट है कैटालिटिक कन्वर्टर्स कन्वर्ट अनबर्नड हाइड्रोकार्बन्स इंटू CO2 एंड वाटर
नेक्स्ट हैगा पोरोक्सीएसाइल नाइट्रेट इज़ अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, डीडीटी इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। ये जो इनकोरैक्ट दसना है तो ये जो भी कोई इनकोरैक्ट नहीं, सारे करैक्ट ने गे। नेक्स्ट आ गया 25th, मोटर व्हीकल्स इक्विप्ड विद कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर एडवाइज टू यूज अनलेडेड पेट्रोल बिकॉज, तो यह करैक्ट आंसर है लैड कॉजिज इनएक्टिवेशन ऑफ कैटालिस्ट, जो लैड की कर देता है कैटालिस्ट को इनएक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे टू कंट्रोल वहीकुलर एयर पोल्यूशन इन इंडियन सिटीज। फर्स्ट ऑप्शन इज यूज ऑफ CNG एज फ्यूल, यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल, यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर या ऑल, तो यह करैक्ट आंसर है कि तीनों ही मैथड यूज करेंगे आप। 27, विद इट्स वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वहीकुलर ट्रैफिक, दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस वहीकुलर पोल्यूशन इन दिल्ली। फर्स्ट है स्विचिंग ओवर द एंटायर फ्लीट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू CNG। नेक्स्ट है फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल इन व्हीकल्स, यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल इन व्हीकल्स, यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन व्हीकल्स, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स सच एज यूरो 2 नॉर्म्स एटसेट्रा। तो सारी की ने गे करैक्ट ने। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करैक्ट रिगार्डिंग द यूरो 2 नॉर्म्स, तो यह किने तीनों ही करैक्ट ने। ये की सगा कि जरा सल्फर में आप कि तक कंट्रोल करना है 350 पार्ट्स पर मिलियन डीजल दे विच, 150 पार्ट्स पर मिलियन पेट्रोल दे विच, ते जो एरोमैटिक हाइड्रोकार्बनज ने गे उन्हें की हैगा टू बी कंटेनड एट 42% ऑफ द कंसर्नड फ्यूल। तो यह आंसर की ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है इन इंडिया एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, पोल्यूशन एक्ट केम इन टू फोर्स इन द ईयर 1981 बट वॉज अमेंडेड इन द ईयर, अमेंड किने किया गया 1987 दे विच, क्यों किया गया, क्योंकि नॉइस नू एज अ एयर पोल्यूटेंट मतलब मान लिया गया, इनकलूड किया गया। नेक्स्ट इज अ ब्रीफ एक्सपोजर टू 150 डेसीबल साउंड मे, कि अगर आप 150 डेसीबल साउंड सुनते हैं गे आप एक्सपोज हों उस चीज़ का तो की होएगा, ईयर ड्रम्स डैमेज हो जाएंगे तो परमानेंट इंपेयरिंग हो जाएगी हेयरिंग एबिलिटी की। तो बोथ ए एंड बी की ने करैक्ट ने। नैक्सट है अ परलोंगड एक्सपोजर टू नॉइस एट 95 डेसीबल कैन प्रोड्यूस, तो यह की प्रोड्यूस करता है नर्वस टेंशन एंड इनक्रीज्ड ब्लड प्रैशर। नैक्सट इज नॉइस पोल्यूशन मे कॉज नर्वसनैस एंड इरीटेबिलिटी बाय स्टिमुलेटिंग द सिक्रीशन ऑफ एड्रेनैलिन हॉर्मोन। 33rd इज नॉइस कॉजेज, तो नॉइस की कॉज करती है डाइजेस्टिव स्पैसम थ्रू एंगजाइटी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी टेकन टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन, तो की करना चाहिए, डीलिमिटेशन ऑफ हॉर्न फ्री जोन अराउंड हॉस्पिटल एंड स्कूल्स, ये सही है, परमिसिबल साउंड लेवल ऑफ क्रैकर्स एंड ऑफ लाउड स्पीकर, ये भी सही है, सैटिंग द टाइमिंग आफ्टर विच लाउड स्पीकर कैन नॉट बी प्लेड, ये भी सही है, तो यह आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है ग्रीन मफलर स्कीम हेल्प टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन ई वेस्ट, तो यह की कटे एयर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन, तो यह करैक्ट आंसर है ऑप्शन डी।